अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर हम अपने नाम रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले इसको मेरी वेबसाइट www.finder786.blogspot.com से डाउनलोड करेंगे। इसका डाउनलोड मेरे पास मौजूद है, इसका राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रैक्ट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये एक्सट्रैक्टिंग कर रहा है, अब इसका एक्सट्रैक्ट होकर हमारे पास फोल्डर आ गया है, हम इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर हमारे पास IDM 6.11 लेटेस्ट वर्जन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास एक नई विंडो खुलेगी, इसके ऊपर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है, अब ये हमें कुछ सेकंड दे रहा है, इसके बाद वो हमारे पास इंस्टॉल मौजूद होगा। अब ये फिनिश के ऑप्शन है, हमने इस पर क्लिक किया और ये कंप्लीट हो गया इसका सेटअप। अभी वो ओपन होने के लिए कुछ टाइम ले रहा है। और अब हमें वो कह रहा है कि ये आपके पास रजिस्टर नहीं है, इसको ओके करेंगे। इधर हम अपना फर्स्ट नेम देंगे, सीरियल नंबर हमारे पास, इंस्टॉलेशन गाइड में मौजूद है। ये फेक सीरियल नंबर है। इसके बाद हम इसके क्रैक से इसको ओपन करेंगे, ओके करेंगे। और ये यहाँ से चल जाएगा। अब हम पैच के फोल्डर को ओपन करेंगे, इधर हमारे पास इसका पैच मौजूद है, इसको कॉपी करेंगे और माय कंप्यूटर सी प्रोग्राम फाइल्स इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, और यहाँ पर हम वो क्रैक पेस्ट करेंगे। क्रैक पेस्ट करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे और इसका क्रैक हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये इसका क्रैक हमारे पास ओपन हो रहा है। हम यहाँ पैच पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देंगे, और यहाँ पे लास्ट नेम, और ओके करेंगे।
इसके बाद यह हमें कह रहा है पैस सक्सेसफुली, एग्जिट करेंगे। उसके बाद नीचे आकर ये IDM एन के फोल्डर को ओपन करेंगे। अब किसके बाद वो हमारे पास इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर रजिस्टर होगा। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं ये रजिस्टर है कि नहीं, और यहाँ से इसका वेरिएंट चेक कर सकते हैं जो हमारे पास लेटेस्ट वेरिएंट 6.11 बुलेट 8 ये मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।